हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होता है, उनका क्या यूज होता है और इनके यूज से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री वाउचर्स हमारे स्टॉक को मैनेज करता है। इसके पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग वाउचर जानते हैं, अकाउंटिंग वाउचर हमारे अकाउंट को मैनेज करता है, जबकि इन्वेंट्री वाउचर जो है वो हमारे स्टॉक को मैनेज करता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो इसके अंदर जितने भी वाउचर होते हैं इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत, तो वे सारे हमारे स्टॉक को मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो में है इन्वेंट्री वाउचर को हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेज है। यदि आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप अपने बिजनेस में या किसी शॉप पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको अप्लाई करके काफ़ी अच्छा रिस्पांस पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग विद टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग में मास्टर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी सारी वीडियो को मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in पर भी देख सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या है। देखिए, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत हमारा जो पहला वाउचर्स होता है वह स्टॉक जनरल वाउचर होता है। स्टॉक जनरल वाउचर्स वे वाउचर्स होते हैं जिनका यूज हम स्टॉक मूवमेंट के लिए करते हैं। स्टॉक मूवमेंट का मतलब, मान लीजिए आपके कंपनी में गोडाउन है एक से ज़्यादा, और एक गोडाउन से जब दूसरे गोडाउन में स्टॉक को मैनेज करना होता है, स्टॉक को ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम लोग उस समय स्टॉक जनरल वाउचर का यूज करते हैं। देखिए, रियल में तो आप एक गोडाउन से माल को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन टैली में कैसे इस चीज़ को करेंगे उसके लिए हमारे पास वाउचर दिया हुआ है, स्टॉक जनरल वाउचर्स। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक वाउचर हमारा है टैली रिपोर्ट्स और रियल रिपोर्ट्स को मैच कराने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी भी स्टॉक का आपने टैली के अंदर रिपोर्ट देखा कि वह 10 पीस है तो या 100 पीस है, लेकिन जब आप रियल में जाके गोडाउन देखते हैं वहाँ पे 100 पीस नहीं है, कम है या हो सकता है ज़्यादा है। तो ये कम या ज़्यादा कैसे है इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अपने टैली रिपोर्ट्स और रियल रिपोर्ट्स को मैच कराने के लिए हम लोग फिजिकल स्टॉक वाउचर यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की @+F10 होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डिलीवरी नोट वाउचर। जब हमारा स्टॉक डिलीवर हो जाता है, जब हम कस्टमर को माल भेज देते हैं, तो उस समय हम लोग डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट की @+F8 होता है। तो इसका डिलीवरी नोट वाउचर्स, डिलीवरी द स्टॉक वाउचर। नेक्स्ट है रिसिप्ट नोट वाउचर, जस्ट इसका उल्टा। जब हमें स्टॉक सप्लायर से प्राप्त होता है तो इसकी एंट्री हम लोग रिसिप्ट नोट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की @+F9 होता है। नेक्स्ट हमारा वाउचर है रिजेक्शन इन वाउचर। जैसे नाम से ही क्लियर है, जब कोई कस्टमर हमें माल वापस करता है, कोई रिजेक्टेड माल किसी भी वजह से अगर माल वापस करता है, तो उसकी एंट्री हम लोग रिजेक्शन इन वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F6 होता है, जिसका जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सेल रिटर्न एंट्री करते समय। नेक्स्ट है रिजेक्शन आउट वाउचर। रिजेक्शन इन का जस्ट उल्टा है। जब हम कोई भी स्टॉक अपने सप्लायर को हम वापस करते हैं जो उनसे हमने खरीदा होता है, तो उसकी एंट्री हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+F6 है, और इसका यूज हम लोग कह सकते हैं परचेज रिटर्न। तो इन सारे वाउचर्स का कैसे यूज करेंगे अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम एक एक वाउचर को नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक वाउचर करके हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे कि वाउचर्स कितने होते हैं और उस वाउचर का क्या क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वेबसाइट www.idealtechnical.in पर भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।